हेलो एवरीवन, वेलकम टू रारा। आज मैं करने वाली हूँ एक स्किन केयर, और ये स्किन केयर इसलिए क्योंकि मेरे फेस पर आप देख रहे हैं पिंपल हो गया है, और इसमें मैं यूज करने वाली हूँ एसेंशियल ऑयल्स फ्रॉम वान्या हर्बल। और ये जो एसेंशियल ऑयल हैं इन्हें आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूँ इनके बहुत तरीके हैं इस्तेमाल करने के। तो आज जो मैंने दो एसेंशियल ऑयल लिए हैं, ये बहुत ही मस्ट हैव एसेंशियल ऑयल हैं। लाइक पहला है हर्बल लग्जरी वान्या से प्योर एंड एरोमेटिक एसेंशियल ऑयल यूकेलिप्टस हिमालयन, एंड दूसरा जो है वो है हिमालयन पूजा तुलसी एसेंशियल ऑयल। दिस इज द पैकेट, ये आप देख रहे हो। इनके प्राइस मैं बता देती हूँ। पहले बात करते हैं पूजा तुलसी ऑयल एसेंशियल ऑयल की, तो ये 575 रुपीज का है और 2 ईयर इसकी शेल्फ लाइफ है। दिस इज केमिकल फ्री, प्रिजर्वेटिव फ्री, 100% वेगन एंड क्रुअल्टी फ्री, और ये है मेड इन इंडिया प्रोडक्ट विच इज वेरी वेरी गुड। और 10 ml प्रोडक्ट क्वांटिटी आती है। बहुत सारे ऐसे एसेंशियल ऑयल होते हैं जो 10 ml प्रोडक्ट क्वांटिटी में आपको अफोर्डेबल रेंज प्रोवाइड कराते हैं, लाइक अफोर्डेबल प्राइस पे। बट मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगी कि आप अपनी स्किन के लिए कुछ अच्छा चुनेंगे तो थोड़ा बहुत उसका प्राइसिंग जो है वो हाई हो जाती है, स्पेशली एसेंशियल ऑयल्स की। और ये जो है वो लग्जरी एसेंशियल ऑयल्स हैं, तो इनको आप जो है अपने लिए अगर सबसे पहले लेना चाहते हैं तो मैं आपको पूजा तुलसी एसेंशियल ऑयल हाईली रेकमेंड करूंगी, क्योंकि जो बेजिल यानी कि तुलसी का जो एसेंशियल ऑयल होता है, इससे आप अपने स्किन को एंटी बैक्टीरियल रख सकते हैं, और स्पेशली इन मॉनसून। तो इसको यूज करने के बहुत सारे तरीके हैं दोस्तों। इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि आप इसको रूम टेम्परेचर पे रख सकते हो, और ये हैंडक्राफ्ट प्रोडक्ट है एंड डायरेक्टली सोर्स फ्रॉम द फार्म ऑफ द लोअर हिमालयन रीजन्स। द ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फ्रेश तुलसी लीव्स थ्रू स्टीम डिस्टिलेशन, सो विच इज वेरी गुड। एंड इसमें कई प्रकार से बेनिफिट्स होते हैं इसके अगर आप यूज करते हो, लाइक इफेक्ट ऑफ द ऑयल इज प्योरिफाइंग, वार्मिंग एंड अपलिफ्टिंग, पावरफुल एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज, एंड रिड्यूसेस मस्कुलर एचेस एंड पेन्स। बट आप इसको जो एक्ने के मार्क हो जाते हैं उनको भी कम करने में यूज कर सकते हैं। बहुत सारे लोग तुलसी का टोनर यूज करते हैं, तो आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इसको कैसे यूज करती हूँ मैं भी बताने वाली हूँ। और कोई भी एसेंशियल ऑयल हो उसको डायरेक्ट नहीं लगाना चाहिए, उसको थोड़ा डाइल्यूट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होते हैं, यानी कि एकत्रित होते हैं, बहुत ज़्यादा थिक होते हैं। सो ये मस्ट होता है। और जो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल होते हैं उनको आप डायरेक्टली लगा सकते हो। तो अब मैं आपको सबसे पहले ये जो पूजा तुलसी ऑयल है, बहुत ही खूबसूरत सा ये देख सकते हैं, इसको अप्लाई करके दिखाने वाली हूँ। और ये आता है एक ड्रॉपर के साथ में, और कांच का ये बॉटल है इसकी। दिस इज द कलर एंड यू कैन सी दिस इज द कलर, वेट अ मिनट, एंड फ्रेग्रेंस इज जस्ट ऑसम। तो इसका मैं क्या करती हूँ, एक ड्रॉप तुलसी ऑयल, जस्ट वन ड्रॉप, वन और टू, एंड इसी में मैं मिक्स करने वाली हूँ थोड़ा सा वानिया हर्बल का प्योर रोज वाटर, और इस मिक्सचर को मैं अप्लाई करूंगी मेरे फेस पर। आप चाहें तो इसको ना कॉटन से भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ये हाथ से एकदम अच्छे से अप्लाई हो जाता है। और सबसे बेस्ट पार्ट है कि आप कॉटन से लगाओगे तो कॉटन में काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट रह सकता है, बट अगर आप हाथ से अप्लाई करोगे तो बहुत ही आपको फ्रेश एसेंस आएगा। और आप इसे नाइट टाइम में स्पेशली लगाएं, एंड मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, इस वक्त मुझे लग रहा है कि मैं सचमुच में बहुत ही खूबसूरत हिमालयन वादियों में चली गई हूँ, जहाँ पर बहुत अच्छी सी तुलसी की फ्रेग्रेंस आ रही है। इसको मैंने लगा लिया है। और ये जो एसेंशियल ऑयल है इसका 1 से 2 बूंद ही सफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा ना लें, बिकॉज फिर बहुत ज़्यादा लेने से इसकी जो फ्रेग्रेंस होती है वो बहुत हार्ड होती है, लाइक थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा फील होने लगेगा।
तो एक ड्रॉप बहुत है उसको डाइल्यूट करने के लिए। तो अगला जो एसेंशियल ऑयल है इसको मैं यूज करने वाली हूँ फॉर बॉडी, एंड ये है हर्बल लग्जरी वानिया प्योर एंड अरोमेटिक एसेंशियल ऑयल यूकेलिप्टस हिमालयन। ये जो हिमालयन यूकेलिप्टस एसेंशियल ऑयल है इसको मैं अभी इस्तेमाल करके दिखाने वाली हूँ। उसके बारे में मैं इसके बारे में फिर आपको बताऊंगी। और ये भी एक हैंडक्राफ्टेड प्रोडक्ट है, लाइक डायरेक्टली सोर्स्ड फ्रॉम द फार्म्स ऑफ द लोअर एंड मिड हिमालयन रीजन्स। द ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फ्रेश यूकेलिप्टस लीव्स थ्रू स्टीम डिस्टिलेशन। ये बहुत ही ज्यादा फ्रेश है और इसके भी बहुत सारे थेरेपेटिक बेनिफिट्स हैं, जैसे कि इस पे लिखा है पावरफुल एंटीसेप्टिक है ये, जो कि बैक्टीरियल और जितने भी जर्म्स होते हैं उनको खत्म करता है, एंटी फंगल है, जॉइंट और मसल्स के पेन में रिलीफ देता है, एंड बहुत ही ज्यादा कूलिंग इफेक्ट देता है, रिजुविनेट करता है। ये जो एसेंशियल ऑयल है इसका 1 से 2 ड्रॉप मैं मिक्स करने वाली हूँ रोगन बादाम ऑयल में। आप बिल्कुल प्योर बादाम ऑयल ले लीजिए एंड उसमें आप मिक्स कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से, और इससे इसको अच्छे से मिक्स करके और आप उसके बाद बॉडी पर मसाज कर सकते हो बहुत ही जेंटली। और उसके बाद आप एक बहुत ही अच्छा सा हॉट शावर ले सकते हो, उससे आपकी बॉडी जो है वो नरिश्ड और मॉइस्चराइज हो जाएगी डीपली। एंड आप अपने हाथों की स्किन को भी अच्छा कर सकते हो, लाइक अगर आपके हाथ की जो स्किन है वो डल हो रही है इस तरीके से, एंड इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ज्यादा रिफ्रेशिंग और कूलिंग है। ये आप देख रहे हैं, और वानिया का ना बॉडी मसाज ऑयल भी आता है एंड वो बहुत ज़्यादा अच्छा है और उससे स्किन बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज हो जाती है। और बॉडी के लिए ही है पोमेग्रेनेट मसाज ऑयल, वो ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, उसे मैंने यूज़ किया है पर्सनली, एंड उसका रिव्यू मैं किसी ना किसी दिन अपलोड कर दूंगी। बट बात करूँ इन प्रोडक्ट्स की, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, ट्रस्ट मी। तो इस तरीके से मैंने यूज कर लिया है, इसको मसाज कर लिया है। तो ये एसेंशियल ऑयल्स को यूज करने का तरीका है। अदरवाइज इसमें बहुत सारे यूजेस इसके इस पर लिखे हुए हैं एप्लीकेशन, अगर आपको इनके हिसाब से यूज करना है। जैसे कि जो पूजा तुलसी ऑयल है उसके फ्यू ड्रॉप्स जो है वो आप एज अ डिफ्यूजर ऑयल यूज कर सकते हैं घर पर, एंड इसके कुछ बूंद जो है आप नहाने के पानी में मिला सकते हैं, गर्म पानी में। और अब तो विंटर आने को है तो बहुत ही अच्छी चीज है ये। और इसको डाइल्यूट करके आमंड ऑयल के साथ में बॉडी पर मसाज कर सकते हैं, दोनों ही ऑयल्स को बॉडी पर मसाज कर सकते हैं आमंड ऑयल में मिक्स करके। लेकिन 1 से 2 बूंद सफिशिएंट होते हैं एसेंशियल ऑयल्स के, बहुत ज्यादा नहीं लेना चाहिए। और हिमालयन यूकेलिप्टस जो एसेंशियल ऑयल है इसके बारे में भी यही है, ये जर्म्स को किल करता है, बैड ऑडोर को हटाता है, एंड इसको भी आप अपने नहाते समय गर्म पानी में मिक्स कर सकते हैं, और इनहेलेशन के लिए, स्टीम इनहेलेशन के लिए ले सकते हैं। और आप अपना अगर पेडिक्योर मैनिक्योर घर पर कर रहे हैं तभी भी इसे मिक्स कर सकते हैं, और इसको आप जैसा कि मैंने यूज़ किया आमंड ऑयल में मिक्स करके भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो इनको इस्तेमाल करने के बहुत तरीके हैं दोस्तों। तो ये जो दो अच्छे और बहुत ही फ्रेश रिफ्रेशिंग एसेंशियल ऑयल है इन्हें आप यूज़ करना मत भूलिएगा। और इनका लिंक जो है, परचेजिंग लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, एंड आपने थंबनेल में पिक्चर देखी होगी, मैंने इसी रिक्शे में इन दोनों को रख रखा है।
इस तरीके की बहुत क्यूट क्यूट सी चीज़ें कलेक्ट करना मुझे अच्छा लगता है। तो ये जो एसेंशियल ऑयल हैं इन्हें इस्तेमाल करिएगा और अपने स्किन केयर रूटीन्स को और भी नेचुरल, लग्जरी, हर्बल और अच्छा बनाइए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है देन प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल रारा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों। एंड एक और चीज़, वान्या के बहुत सारे प्रोडक्ट्स के रिव्यू मैंने किए हैं, आप जाइए चेक कर लीजिए मेरे चैनल पर। थैंक यू।